हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस का अकाउंट आपको परमानेंटली के लिए डिलीट कैसे किया जाता है। मतलब अगर आपका अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, गूगल एडसेंस का अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो किस प्रकार डिलीट करेंगे। चाहे वो आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया है, परमानेंटली के लिए डिसेबल हो गया है, टेम्परेरी के लिए डिसेबल हो चुका है, लेकिन आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे। आप कोई भी रीजन हो आपको डिलीट करना है तो किस प्रकार करेंगे। सिंपल से आपको google.com पे जाना है और यहाँ पर आपको मैनेज अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आपको सिंपल से इस पर आना है। मैं आपको सिंपल से आपको एक यूआरएल बता रहा हूँ, आपको myaccount.google.com पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपके सामने ये सब ऑप्शन आएंगे, लेकिन हमें पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पेमेंट मेथड में आपको एक दिख जाएगा, पेमेंट मैनेज पेमेंट मेथड, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद में ये सामने आपके सामने एक और ऑप्शन खुल जाएंगे, तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा ये गूगल एडवर्ड का भी अकाउंट इसमें जुड़ा था और गूगल एडसेंस का भी अकाउंट था, लेकिन ये डिसेबल हो गया था तो मैं अब इसे यूज नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मेरा पूरा एडसेंस का अकाउंट है, ठीक है। ये एडसेंस का अकाउंट है और इसमें हमने कोई ट्रांजेक्शन भी किया था, हम इसे यूज भी कर रहे थे, लेकिन ये कोई कारण की वजह से ये डिसेबल हो गया। यहाँ पर देख सकते हो $89.60 और ये डिसेबल हो चुका है $277, लेकिन हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर सेटिंग दिख जाएगा, डायरेक्टली आप सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको दिखाया यहाँ पर सेटिंग आपको दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको क्लोज पेमेंट प्रोफाइल आपको दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट चला जाएगा, ठीक है, मतलब डिलीट हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आई हैव बैड एक्सपीरियंस, मतलब कस्टमर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तो मैं इसे ही सेलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और क्लोज पेमेंट प्रोफाइल पर क्लिक कर दूँगा और ये मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो गया। अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, मैनेज अकाउंट में गया या फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पर मैनेज अकाउंट में पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन मैनेज पेमेंट, और यहाँ पर देख सकते हो कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। मतलब अब इसमें गूगल एडसेंस का अकाउंट दोबारा नहीं बना सकते हो, लेकिन आप दूसरे में मतलब दूसरे ईमेल आईडी में बना सकते हो फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्रेश। और अगर आपके किसी साइट का डिसअप्रूव हो गया, फिर सस्पेंड हो गया, तो उस साइट का दोबारा अप्रूवल ले सकते हो, लेकिन इससे पहले क्लोज करना पड़ जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।